तो आज के हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पाइथन में, और पाइथन में हम बात करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें हम बात करेंगे इन और इज। जी हाँ, हम बात करेंगे आज इन ऑपरेटर और इज ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे फोर लूप के बारे में आज की इस क्लास में। हालांकि फोर लूप आगे चल के मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर भी यहाँ फोर लूप आपके साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक रिजर्व वर्ड है, वो है हमारा नेम, नेम्स। नेम्स इक्वल टू, हम स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ नेम सेलेक्ट कर लेते हैं कि पूजा, कविता, मोहन, इंद्र। ये नेम हम कहीं से उठा भी सकते हैं, आगे क्लास में कहीं से उठाएंगे भी, फिलहाल मैं मैनुअली लिख रहा हूँ। अब मुझे सारे नेम को प्रिंट करवाने हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि प्रिंट, और प्रिंट में मैं यहाँ पे नेम्स दे दूँ, तो क्या प्रिंट होगा? जी नहीं प्रिंट होगा। अच्छा, एन भरा है ना यहाँ पे, प्रिंट होगा? एक बार करके देख लेते। देखिए प्रिंट जो हुआ वो एक जैसा था, वैसे इसमें स्ट्रिंग मर ले, सबको अलग अलग नेम नहीं माना, इसने अलग अलग नेम नहीं माना। अच्छा, ये नेम हम रिजर्व वर्ड है, और यहाँ पे बड़े छोटे का फर्क होता है, तो छोटे लेटर में लिख के फिर इसको करते हैं। सेम यहाँ, तो इसको एक तरह से लिस्ट नहीं माना, इसको एक टेक्स्ट मान लिया, जैसा मैं टाइप किया तो ऐसे बाहर यहाँ पे शो कर दिया। लेकिन इसी चीज को अगर मैं वन बाय वन, हमें चाहिए एक एक नाम, एक के नीचे एक के नीचे, तो हमें इसको लूप के अंदर डालना होगा। हमने लिखा कि फोर नेम इन नेम्स, और यहां पर इसको हमने दे दिया। अब ये आ रहा है ना, रेड आ गया, क्योंकि इसके नीचे नहीं होगा, इसको थोड़ा सा आगे करना होगा, और फिर इसको हम रन करते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ी नेम्स रहा, इसको हम नेम करना होगा। हमने नेम करके फिर इसको यहाँ से रन किया। अब देखिए पूजा, इंदर, कविता, मोहन, इस तरह से अलग अलग आ रहा है। अब यहाँ पे नेम जो है ना, दिस इज नॉट अ रिजर्व, ये नेम्स आपका रिजर्व है, बट नेम आपका रिजर्व नहीं है। इसके जगह पर मैं पी भी दे सकता हूँ कि फोर पी इन द नेम्स, और यहाँ पे हमने P को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने पे ये भी आपके सामने दिख जाएगा, ये हमारा नेम्स होता है। अब चलिए इसमें कुछ और देखते हैं, एक काम करते हैं, और एक और रिजर्व वर्ड आता है हमारा पोस्टल। एक और रिजर्व होता है आपका पोस्टल। तो यहाँ पे हम देखते हैं पोस्टल, पोस्टल इक्वल टू, और बड़ी ब्रैकेट में मैंने डाल दिया यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, कर्ली ब्रैकेट होगा, माफ कीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट, और सिंगल कोट में मैंने दिया दिल्ली, और उसके बाद सेमी कॉलन, और यहाँ पे नंबर 10062, फिर कॉमा दिया हमने, फिर मान लीजिए मैंने दे दिया इन्वर्टर कॉमा नहीं होगा, सिंगल कोट होगा, माफ कीजिएगा, MAA मुजफ्फरपुर मेरे सिटी है, और फिर यहाँ पे सिंगल कोट, और यहाँ पे 8442001, फिर कॉमा, एक और सिटी दे देते हैं, जिससे हमने दे दिया जीजीएन, और सिंगल कोट, और ए जो है हमारा 120। तो ये हमने बना लिया। अब इसमें हम लूप लगाते हैं, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो जैसा है सेम उसी तरह से प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आपको प्रिंट नेम्स मैंने किया तो हुआ था। देख लीजिए यहाँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में मान लीजिए मैं कर देता हूँ पोस्टर, पोस्टर, तो क्या होगा? सेम जैसा वैसा पेस्ट हो गया। अब मुझे इसको इंडिविजुअली एक एक करना है, ताकि इसमें लुकअप कर सके, कंडीशन लगा सके, ये चीजें कर सके। तो क्या होगा इसके लिए? तो यहां पे हमें लूप लगाना होगा। हम लगाएंगे कि फोर सिटी
इन पोस्टल, सिटी पोस्टल, और हम इस पे दे दिया। अब जो प्रिंट कमांड हमने दिया हुआ है, सबसे पहले तो टैब देके मुझे इसके समकक्ष लाना होगा और फिर ब्रैकेट में यहां पे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इसे पोस्टल कोड भी चाहिए ना, तो इसमें हम एक तो सिटी ले लेंगे, सिटी कॉमा, और इसमें हम पोस्टल और बड़ी ब्रैकेट में सिटी कर देंगे, पोस्टल और बड़ी ब्रैकेट में सिटी, सिंपल सा। अब देखिए एक तरह से सिटी फॉर्मेट में आएगा, ये देखिए दिल्ली 1103, मुजफ्फरपुर 103, और ये आपका जीजीएन आया। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं इन कमांड का। अब बात करते हैं आइडेंटिटी का कमांड का। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए इक्वल टू 25, तो अगर आप इसमें दे देते हैं कि आईडी, यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में हम यहाँ पे देते हैं आईडी, तो ऐसा करने से क्या होगा कि ए आपका आईडी ब्रैकेट में ए, तो ये 25 का एक आईडी जनरेट कर लेगा, 25 का एक आईडी जनरेट करेगा एक नंबर पे। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा एक नंबर जनरेट किया। अब ये नंबर होता क्या है, ये आईडी नंबर जो जनरेट किया होता क्या है, देयर ऑपरेटर्स कंपेयर द मेमोरी लोकेशन इन द टू ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज द पॉसिबल टू नो द वेदर द टू ऑब्जेक्ट आर सेम और नॉट, द मेमोरी लोकेशंस कैन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन द यूजिंग द आईडी फंक्शंस, दिस फंक्शन रिटर्न द इंटीजर नंबर कॉल द आइडेंटिटी नंबर, द इंटरनली रिप्रेजेंटेटेड द मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो हमने ए को सेव किया है, तो ए आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव हुआ है, वो मेमोरी का लोकेशन है। तो दो को, दो अगर आपके पास अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसको यूज कैसे करते हैं, इसको यूज करते हैं इज कमांड से। जी हाँ, इज कमांड। जैसे कि अब यहां पे चलिए चेक करते हैं, मैंने यहां पे लिखा ए इक्वल टू 25 एंड बी इक्वल टू ऑल्सो 25। अब यहां अगर मैं लिख दूं कि इफ A is B, A is B, तो यहां पे हमें करना होगा प्रिंट सिंपल सा सेम आईडी, और फिर यहां पे हमें एल्स प्रिंट इन बॉर्डर कोमा में अदर आईडी। अब इसको देखिए, इसको एक बार रन करते हैं, यहां पे आपका सेम आईडी आ रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर, लेकिन इसी ए को आईडी फंक्शन में डाल देते हैं ताकि पता चले कि दोनों एक ही है, क्योंकि वैल्यू एक है ना, क्या ये दोनों अलग अलग है, तो आईडी फंक्शन में इसको हम डालेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे अदर आईडी है, क्योंकि इसकी आईडी अलग है, इसकी आईडी अलग है, मेमोरी लोकेशन अलग है और इसकी मेमोरी लोकेशन अलग है। अच्छा, इसका यूज हम लोग एरे में भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे पी ले लिया, या फिर मान लीजिए ना हम के ले लेते हैं कि के इक्वल टू, और हमने इसको बड़ी ब्रैकेट में एक एरे दे दिया कि 1, 2, 3, 4, 5, और वापस मान लीजिए यहाँ पे जे ले लेते हैं, जे इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में इसको भी 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ हम इफ कंडीशन लगाते हैं सिंपल कि इफ इफ यहाँ पे सिंपल सा हम लिखते हैं कि के इज जे, के इज जे, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट यहां पे सेम
और यहाँ else देते हैं और else में दे देते हैं यहाँ पे else, यहाँ पे print other, या जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अब मैं इसको अच्छा प्रिंट पी का पी बड़ा है, अब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे ये आपका ये अदर आया, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों की लोकेशंस अलग अलग। हाँ, दोनों को बराबर करना है तो ईच के जगह पे या हम इक्वल कर देते हैं, इक्वल की डबल साइन लगता है, तब यहाँ पे सेम आया क्योंकि दोनों सेम आया, यहाँ सेम आया दोनों सेम आया। तो ईच क्या करता है, ईच आपका इसका मेमोरी लोकेशन को रीड करता है। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम आगे बात करेंगे मैथमेटिकल, कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।